हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। आज जो प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास टेंथ की बच्चों की साइंस की प्लेलिस्ट है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस आखिर होती क्या है? तो आप जानते हैं कि हम कभी भी अगर कोई केमिकल चेंज करा रहे होते हैं, जैसे कि मैंने दो केमिकल्स लिए, या सपोज आई हैव टेकन NaCl एंड AgNO3, बहुत ही फेमस रिएक्शन है प्रेसिपिटेट बनाने की। तो अगर मैंने ये दो केमिकल्स लिए हैं, तो इन दो केमिकल्स को लेने पर इन्हें मिक्स करने के बाद मुझे जो मिला है वो प्रोडक्ट है AgCl एंड NaNO3। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने दो कंपाउंड्स लिए और इन दो कंपाउंड्स को मिक्स कराने के बाद मुझे जो प्रोडक्ट में दो कंपाउंड्स मिले, दे आर टोटली डिफरेंट। ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर जिस तरह का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ये चेंज कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा केमिकल चेंज। हम इस चेंज को केमिकल चेंज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें यहाँ से जो दूसरा जो कुछ भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा होता है वो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं होता है, साथ ही साथ वो ऐसा होता है जिसे हम रीअरेंज करके दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हैं, वो टेम्परेरी होता है। यहाँ पर ये एक परमानेंट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, हमें डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी और अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा, वो इसे कहते हैं केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज जब कभी भी हो रहा होता है तो इसे परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ अंदर वर्किंग हुई होगी, कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी, कुछ आयंस डिस्प्लेस हुए होंगे। तो ये जो एक्शन होता है, इस एक्शन को ही हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो हम अगर सिंपली डिफाइन करें कि हम केमिकल रिएक्शंस किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे द एक्शन दैट टेक्स प्लेस। For a chemical change to happen, chemical change को होने के लिए जो भी action हो रहा होता है इसे हम कहते हैं chemical reaction। तो हमें समझ आया कि chemical reaction actually क्या होता है। Chemical reaction वो action होता है जिसके होने पर हमें एक change मिल रहा है, जो chemical change है। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। पर केमिकल रिएक्शंस एक ही तरह के नहीं होंगे, बहुत सारे तरीके के केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस अगर हमें समझ आया, जिसे हम सिंपल वर्जन में अगर यहाँ पर डिफाइन करें, तो मैंने डेफिनेशन नीचे दी हुई है, द एक्शन दैट टेक्स प्लेस फॉर अ केमिकल चेंज टू हैपन इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज द डेफिनेशन जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो यहाँ पर मैंने केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ है, और अगर हम इनके टाइप्स को कंसीडर करें तो मुझे सबसे पहले देखने को जो रिएक्शन मिलती है वो होती है एडिशन रिएक्शन, या कहीं कहीं पर हम इसे कॉम्बिनेशन भी कहेंगे। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम उन्हें कंबाइन कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंबाइन करके कुछ नया फॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा इसका नेम है वैसी ही इसकी डेफिनेशन है। इसमें हमें पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपको देखने को मिलेगा दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए, ये कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है क्योंकि ये दो रिएक्टेंट होने ही चाहिए किसी भी कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन को होने के लिए। क्योंकि जब दो रिएक्टेंट्स होंगे मेरे पास, जैसे मैंने एक रिएक्शन ली Ag+Cl और मैंने बना दिया AgCl, तो यहाँ पे दो थे और ये दो कंबाइन हो गए, ऐड हो गए, और मुझे एक प्रोडक्ट मिला जिसका नाम था AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड। तो आई होप कि आपको ये समझ आया एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। जब हम कोई दो रिएक्टेंट लेते हैं, उन्हें कंबाइन करके हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा, ये रिएक्शंस हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। सेकेंड पार्ट हमारा आ जाता है इसका ही ऑपोजिट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस बार हमारा हो रहा है डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोज होने का क्या मतलब होता है? डिकम्पोज होने का मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी इस बार प्रोडक्ट टूट कर बनेगा। यानी कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स होने चाहिए? हमारे पास कंपलसरी है वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होना चाहिए। जैसे मैंने लिया CaCO3 और अब मैं इसको अगर ब्रेक कराऊँ तो बनेगा CaO+CO2। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट था मेरे पास, पर ये टूट गया और दो रिएक्टेंट बने। यानी ओवरऑल ये क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है और अपने जैसे दो बना रहा है, मतलब दो प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है अपने से। जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, उसने अपने ऑक्साइड दी और साथ में CO2 गैस को रिलीज किया। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट टूट रहा है तो इसलिए ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर दो जुड़ रहे थे इसलिए ये एडिशन है। अगर मुझे कोई कहे कि मुझे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है तो भी मैं बता सकती हूँ कि एडिशन मींस एडिंग ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, एंड हियर इट इज डिकम्पोजिशन, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ वन रिएक्टेंट इंटू टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो ये हो गई हमारे दोनों की डेफिनेशन। अगर मैं दूसरा डिफरेंस दूँ तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स का होना कंपलसरी है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, पर यहाँ पर एक रिएक्टेंट काफ़ी होता है क्योंकि एक रिएक्टेंट को हम तोड़ रहे हैं। यहाँ पर दो रिएक्टेंट नहीं होने चाहिए, दो होंगे तो वो ऐड होने लगेंगे ना, तो वो तो एडिशन हो जाएगा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है या एडिशन है, हम आराम से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी तीसरी रिएक्शन की, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट अब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाली हूँ। मैं इसे रेज करती हूँ, इन दोनों का ही डिफरेंस आपको समझ आया होगा और आगे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, जैसे कि इसका नेम है, आप देख सकते हैं डिस्प्लेस करना। सपोज करिए ये मेरे पास एक ब्लॉग है और ये भी मेरे पास एक ब्लॉग है, तो जब तक मेरे पास दो ब्लॉग नहीं होंगे क्या मैं इन्हें डिस्प्लेस कर सकती हूँ? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि मेरे पास दो ब्लॉग्स थे, ये वन था ये टू था, मैंने इसको उठाकर टू की जगह पर रख दिया, या मैंने इसको टू की जगह पर रख दिया, मैं टू को तो कहीं भी रख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। अब इसकी प्लेस हो गई है चेंज। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम देखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास रिएक्शन है Zn+H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, और हम जानते हैं ये जिंक बहुत ही पावरफुल है, तो ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, बोलेगा कि ये कंपाउंड से निकल जाए। तो जब ये यहाँ से जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? Zn SO4। तो अब हम देख सकते हैं जिंक ने किसकी प्लेस ले ली है? हाइड्रोजन की। तो क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, उसकी प्लेस ले ली, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने का हमारा क्या कीवर्ड होगा? हम देखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट्स में ऐसा कुछ हो रहा है कि एक एलिमेंट ने दूसरे की जगह ले ली है। अगर ऐसा है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम देखेंगे कि क्या वो दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं या एक रिएक्टेंट टूट रहा है। तो हम अपने प्रीवियस पार्ट में जाएंगे कि हमें एडिशन मिल रहा है या डिकम्पोजिशन मिल रहा है। ये तो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा, यानी कि कुछ भी नहीं बदलेगा, बस अभी तो एक डिस्प्लेस हो रहा है, अब हम दो का डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे तो वो बन जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम क्या देखेंगे? यहाँ पर तो एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, यानी ओनली सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज देयर। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं इस तरह से देखूँ, जो अभी हमने पहले एक एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा प्रेसिपिटेशन का, मैं अगर सेम एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ NaCl, NaCl+AgNO3 gives out AgCl+NaNO3। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ना, एक बार तो कंपाउंड में Cl के साथ Na था,
और यहाँ पर कंपाउंड में Ag के साथ कौन था? NO3। पर अब क्या हुआ, ये जो NO3 था इसके पास पहले तो Ag था, अब इस Ag ने इसकी जगह ले ली और Cl के साथ आ गया, और इस Na ने अपनी जगह छोड़ दी और NO3 के पास चला गया। तो यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट Ag की पोजीशन में देखने को मिलता है, पर दूसरा डिस्प्लेसमेंट साथ ही साथ हमें सोडियम की पोजीशन में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर कितने डिस्प्लेसमेंट्स मिलेंगे? 2 डिस्प्लेसमेंट्स, और एक ही साथ हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारी रिएक्शन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी है तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम देखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डबल। अगर सिंगल है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर दो हो रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि सेम टाइम पर दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं। ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप की, जो हम एसिड बेसिस इन साल्ट्स में भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी एज अ टाइप ऑफ द रिएक्शन हम इसे पढ़ते हैं, जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका एक टर्म है जिसे हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मीन्स क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसका चार्ज न्यूट्रल हो, यानी कोई चार्ज ना हो उस पर। ऐसा कौन सा कंपाउंड है? हम जानते हैं कि हमारा वाटर न्यूट्रल है बिकॉज इसका pH होता है 7। तो इट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पर वाटर फॉर्मेशन हो। अब कैसे होगा? देखिए, मैंने लिया एक एसिड और मैंने लिया एक बेस, ठीक है। एसिड जो होता है उसमें H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है, बेस में OH- आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब एसिड और बेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, एसिडिटी और बेसिसिटी, ये भी शो करते हैं ये। तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, ये जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? साल्ट। और साथ ही साथ क्या रिलीज करते हैं? ये वाटर, ठीक है। तो वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, और सॉल्ट में भी हमारा प्लस माइनस एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है। ओवरऑल ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो द रिएक्शन इन विच वन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एसिड और बेस की प्रॉपर्टी है कि जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये तो हमारे रिएक्शन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन विच दे आर टेकिंग, एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन दीज टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने अगर यहाँ पर समराइज किया कि हमने पढ़ा क्या है अभी तक, एडिशन पढ़ी हमने, ठीक है, डिकम्पोजिशन पढ़ी, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद एकदम लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, वो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है। एंड एट द लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। तो अब ज़रा अगर मैं इन सब चीज़ों की बात करूँ तो मैं देख रही हूँ एडिशन में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन में ब्रेकआउट हो रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं एक साथ, डिस्प्लेसेस साइमल्टेनियसली एक साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, और दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड प्लस बेस गिविंग साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा है सारी रिएक्शंस के लिए। इसके बाद अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट देखें, अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको इन द फॉर्म ऑफ PPTs अटैच्ड मिलेगा हमारे वीडियोस में साथ में ही। सो आफ्टर दिस, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट कितनी इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, ये देखकर अगर हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो हम जानते हैं हमारे पास कितनी तरह से रिएक्शंस हो सकती हैं। या तो एक्सोथर्मिक होगी,
या एंडोथर्मिक होगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि या तो हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा और या फिर हीट को वो इवॉल्व करेगा। इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है क्या? तो अगर रिएक्शन को होने में हमें हीट देनी पड़ रही है, यानी एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर इवोल्यूशन हो रहा है, तो यानी कि हीट निकल रही है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब अगर मैं सिंपल से एग्जांपल्स की बात करूँ, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन तो पढ़ा है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई? ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक, बिकॉज इसमें हीट इवॉल्व होती है, बहुत सारी हीट बाहर निकलती है रिएक्शन के होने पर। इसी जगह पर अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें, तो आपने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पढ़ा होगा, दोनों ही गैसेस होते हैं, तो जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो जो रिएक्शन होती है ये होती है एब्जॉर्प्शन रिएक्शन, क्योंकि हमें इसमें हीट देनी पड़ती है, ना कि हमें मिलती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हम देखते हैं कि सिंपल हीट का कॉन्सेप्ट है, हीट दी तो एंडो, हीट ली तो एक्सोथर्मिक, यानी हीट हमें वापस से मिल रही है तो वो एक्सोथर्मिक है, अगर हमें देनी पड़ रही है तो वो एंडोथर्मिक है। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो हमने आज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस किए हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की थ्योरी, उससे आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि कार्बन से रिलेटेड है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैथ्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है हमारे इस चैनल पर, तो आप जा करके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो फॉर न्यू सच अपडेट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।